तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरे पास एक बोट ट्रक भी गया गया, यहाँ पे एक स्पीकर जो कि एक ब्लूटूथ स्पीकर है, और यहाँ पे गए इस वाले स्पीकर को लगभग लगभग गए जो मैंने एक साल से गए यूज़ कर रहा हूँ, पर इसके अंदर गए अब जाके कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, और इस टाइप से अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रही तो उसको कैसे सॉल्व करना है आप मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ रहा है इसके साउंड लो की, उसके बाद ऑटोमेटिकली गए जो डिसकनेक्ट हो जा रहा है, अभी किस टाइप से हो रहा है मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा, मतलब हो रहा ही है कि मैं जैसे इसको कनेक्ट करता हूँ गाइस इसमें कोई भी म्यूजिक प्ले करता हूँ जो फुल वॉल्यूम करता हूँ तो गाइस ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, ऐसे भी हम उसको मान के चलते हैं क्योंकि डायरेक्टली ऑफ ही हो जाता है। तो आज हम इसको फिक्स करने वाले थे, तो सबसे पहले आपको जो रबर का कवर गाइस केस है उस पर से वो हटाना पड़ेगा, उसके बाद जो ये पूरा पूरा यहाँ पे जो जाली टाइप बनाया गया उनको दोनों तरफ से दोन होते हैं गाइस तो वो भी आपको हटाने पड़ेंगे, और अब जाके गाइस आप फाइनल गाइस जो हमारे इस वाले स्पीकर को ओपन कर सकते हो। तो आपको क्या करना है यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे स्क्रू लगे होते हैं, पहले तो आप लुक देख लो इस टाइप से इसका कुछ लुक है गाइस अंदर से, यहाँ पे ये सब ऊपर टाइप का इन्होंने दिया है, सामने के दो स्पीकर मिल जाते हैं हमें 10 वाट के, और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो गाइस हमें जो है मतलब 10 वाट के स्पीकर तो है ही, उसके बाद यहाँ पे अभी आप देखो तो गाइस काफ़ी छोटे छोटे गाइस इसके अंदर स्क्रू होते हैं, तो आपको गाइस छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर लेना है और उसको लेके गाइस जो इसके पूरे पूरे गाइस जो नट है छोटे छोटे स्क्रू है गाइस उनको यहाँ पे खोल लेना है। अभी आप जैसे कि देख पा रहे हो गाइस मैं धीरे धीरे सबके खोल रहा हूँ, इस टाइप से आपको खोलना है, आपको मतलब किसी भी टाइप से परेशानी नहीं आ रही, मतलब इसके अंदर अगर आपका जो स्पीकर है ऑटो ऑफ हो रहा है, ऑटो डिस्कनेक्ट हो रहा है, या फिर अगर आपकी जो स्पीकर के जो चार्ज है वो मतलब काफ़ी जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहा है, तो आप गाइस इसका यूज़ इस टाइप से ये जो ट्यूटोरियल वीडियो गाइस ये देख के गाइस आपके स्पीकर को आप अच्छे से फिक्स कर सकते हो। अभी इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम आती है गाइस वो आती है गाइस इस वाले स्पीकर के अंदर जो बैटरी है उसकी, तो आज हम वही बात करने वाले और उसको गाइस यहाँ पे गाइस मैं आपको सिखाऊंगा कैसे चेंज करना है, कहाँ से आपको बैटरी मिलेंगे, और वो चेंज करने के बाद गाइस आपको जो स्पीकर है काफ़ी अच्छी तरीके से चलने लगेगा और काफ़ी अच्छे से गाइस जो फिर आप उसे काफ़ी दिनों तक और यूज़ कर पाओगे और काफ़ी अच्छा वो चलेगा। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हो गाइस मैंने अभी इसको पूरा ओपन कर लिया, और ओपन होने के बाद आप जैसे कि देखोगे तो अंदर के आपको यहाँ पे दो देखने स्पीकर देखने मिलेंगे, उसके बाद यहाँ पे अभी पीछे आप देखो तो गाइस ये पूरा उसकी प्लेट जो MCU वो है, उसके बाद यहाँ पे अभी बात की जाए तो इसके अंदर गाइस हमें जो बैटरी देखने के मिल रही है, तो इसी बैटरी को गाइस अभी हमें चेंज करना है। तो आपको मैं सबसे पहले दिखा दूँ तो किस टाइप से आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ पे एक जो है माइक भी कनेक्ट होता है, मतलब जो माइक्रोफोन है वो भी कनेक्टेड होता है, तो उसको भी आपको ध्यान से रखना है। बाकी पिछले वाला भाग मैंने आपको दिखाया सब ऊपर इस टाइप से जिन्होंने दिया है, अभी यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि ये है हमारा मेन पार्ट जिस पे कि हमें काम करना है, और आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे स्पीकर कनेक्टेड है और ये है कि हमारी बैटरी, तो जो मेन प्रॉब्लम आता है जो बैटरी में आता है क्योंकि इतने दिनों बाद यूज़ करने के बाद इसकी जो साइकिल होती है लिथियम आयन बैटरी की साइकिल वो खत्म हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑन करके इसको दिखाता हूँ, ये ऑन तैयार अच्छे से हो जाता है, कनेक्ट भी हो जाता है, पर कनेक्ट होने के बाद जैसे ही ये मतलब जो है हम अच्छे से इसमें कोई भी मतलब म्यूजिक प्ले करते हैं और हाई वॉल्यूम करते तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, तो इस टाइप से परेशानी मुझे लगता है काफ़ी मतलब जो है यूजर्स को आते होंगे। तो आप जैसे कि देख पा रहे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है इसको, और कनेक्ट करने के बाद इसके भी अंदर मैं म्यूजिक प्ले करूँगा, जैसे यहाँ पे भी आप जैसे देख सकते हो वॉल्यूम में अप करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो है डायरेक्टली ऑफ हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफ हो चुका है। तो आज हम इसको फिक्स करने वाले, तो अभी जल्दी से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे मैं आपको बता दूँ कि आपको इस टाइप से बैटरी कहाँ से मिलेंगी, तो 3.0 की बैटरी होती है जो कि आपको आसानी से जो लैपटॉप की पुरानी बैटरी होती है उसके अंदर मिलेंगी, या फिर इसको परचेज भी कर सकते हो आपके कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होगा तो वहाँ पे आप यहाँ पे इस वाले बैटरी को लेके जा सकते हो, और यहाँ पे आप उनको जैसे दिखाऊंगे तो आपको अगर वहाँ पे अवेलेबल होंगे तो मिल जाएंगे, या फिर अगर आप जो पावर बैंक होता है जिस पे हम फोन यहाँ पे चार्ज करते हैं उसके अंदर पे आपको देखने के लिए मिल जाती है तो वहाँ से भी निकाल सकते हो, पर अच्छा ये रहेंगे कि मतलब जो लैपटॉप की जो ओल्ड बैटरीज है उसमें से आप निकालो, क्योंकि वहाँ पे गए जो काफ़ी सारी होती है और उसमें से जो भी अच्छे होंगे आपको अच्छे से टेस्ट कर लेना, उसको चेक करने के बाद जो है अच्छी वाली बैटरी को लेना है। सबसे पहले कैसे आपको यहाँ से ओपन करना है, और यहाँ पे रेड और ब्लैक वायर जो वायर है जो यहाँ पे लगी होंगी उसके बाद आपको कहना है यहाँ से अच्छे से उसको निकाल लेना, उसके अंदर कैसे जो पिन होते हैं उस वजह से कैसे कनेक्ट होता है गाइस, तो वो भी आपको ध्यान से देखना है, तोड़ वोड़ नहीं देना है, अच्छे से ऐसे ओपन कर लेना है इस वाले बैटरी को। बैटरी को ओपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे इसके अंदर के जो है इसके जो ऊपर का गाइस कवर है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, इस टाइप से कुछ बैटरी इसके अंदर से निकलेंगी, और यहाँ पे गाइस एक कवर इस पर लगा हुआ है गाइस, तो उस वाले कवर को निकालेंगे, अंदर गाइस एक प्लेट लगी होंगी उसको भी अच्छे से निकालेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे इस बैटरी से। यहाँ पे आप देख सकते हो 3.7 वोल्ट बैटरी, और यहाँ पे पूरा उसका MAH लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ से आप देखोगे तो अंदर इस टाइप से ब्लैक एंड रेड वायर गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से आपको बैटरी लेनी है, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो मेरे पास लैपटॉप की बैटरी पड़ी है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, और इसी का यूज़ करके मैं इसको जो है अभी अच्छे करने वाला हूँ, मतलब इसको अच्छे प्लेबल हमारा जो
पूरी मतलब जो स्पीकर है तो अच्छा हो जाएगा और यहाँ पे हम अच्छे से उसको यूज़ कर पाएंगे। तो इस वाला बैटरी का हम यूज़ करने वाले, बाकी आप देखो तो मेरे पास काफ़ी सारी 2-3 बैटरीज पड़ी है, उसमें से एक का मैं यूज़ करूँगा। सारी की सारी सही है, मैंने चेक कर लिया। तो आपको क्या करना है कि उसके ऊपर का जो कवर है जिसको हटाना है, तो इस टाइप से काफ़ी मतलब अच्छा खासा का इस कवर इस पर प्लास्टिक वाला लगा हुआ होता है, तो आपको इस टाइप से इसको फाड़ना है। फाड़ने के बाद कैसे आप जैसे कि देख सकते हो कैसे यहाँ पे पूरा आपको अंदर का पूरा चीज़ें दिख जाएंगी, और यहाँ पे दो एक पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट होगा, तो वहाँ से कैसे आपको निकालना पड़ेगा। तो आप मैं जल्दी से आपको निकाल के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे किस टाइप से आपको निकालना और यहाँ पे जॉइंट और जो भी मतलब कनेक्शन है वो करने है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कैसे आपको इस टाइप से ओपन करना है कैसे खोल करके, और यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो कैसे अंदर यहाँ पे छोटी सी प्लेट लगी है जो कि प्रिवेंट करती है कैसे हमारे बैटरी को कैसे ज़्यादा ओवर चार्ज होने से। तो आपको इस टाइप से कैसे पूरा पूरा यहाँ पे जो कैसे जो है पूरा पूरा लगाया हुआ देखने को मिलेगा। तो इसको कैसे यहाँ से आपको निकालना है या डायरेक्ट मैं आपको बोलता हूँ यहाँ से उखाड़ना है कैसे इसको, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से कैसे यहाँ पे पैक किया होता है कैसे इसका मतलब इसको मतलब यहाँ पे जोड़ने के लिए कोई भी सोल्डरिंग का आयरन का यूज़ नहीं किया जाता, डायरेक्ट यहाँ पे वेल्ड टाइप का ही होता है। तो आपको यहाँ से आसानी से इसको निकालना है और काफ़ी अच्छे से निकालना है, और यहाँ पे कोई भी ये मतलब जो है इसको गैस जो मेन गैस हमारे प्लेट है उसको कुछ ना हो ऐसा आपको ध्यान से निकालना, और इस टाइप से अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद आप जैसे कि देख सकते हैं जो सेल्स है कैसे आपको काफ़ी सिमिलर देखने मिल जाएंगे, क्योंकि उसी टाइप से कैसे ये भी सेल देखने मिलता है, और इसकी क्वालिटी में इससे कंपेयर करूँ जो कि मैंने लैपटॉप बैटरी से निकाला तो वो काफ़ी अच्छे गए स्पीकर की क्वालिटी से। तो आपको कैसे अभी यहाँ पे ये जोड़ना है कि आप जैसे देख सकते हो इस टाइप से स्ट्रिप्स का भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इसको कैसे सोल्ड भी कर सकते हो, पर सोल्ड करना यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है क्योंकि अच्छे से उस पर सोल्ड नहीं हो पाता। तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रिक लगानी पड़ेगी, बाकी मैं यहाँ पे अच्छे से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आप जैसे देख सकते हो ऊपर से यहाँ पे एक प्लेट रखी हुई, तो इसको मैं यहाँ पे निकालूंगा और उसके बाद इस पे से गैस यहाँ पे जो है ऊपर से लगा दूंगा जिस वजह से फिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गैस टेप लपेट दूंगा और फिर अच्छे से गैस जो कनेक्शन हो जाएगा। तो उससे पहले गैस मैं चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप से यहाँ पे मैं अंदर इसको डाल देता हूँ और पीछे से इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, और आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे अभी पूरा पूरी तरह रेडी हो चुका है। तो जल्दी से यहाँ पे कनेक्ट करते गैस हमारे स्पीकर के अंदर इसको अभी चेक करके देखते हैं, और आपको भी दिखाना चाहूँगा चेक करके, और जो हमारा प्रॉब्लम है कि जो 100% अभी फिक्स हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से कैसे कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पे जल्दी से हमारे स्पीकर को स्टार्ट करते हैं, और फिर थोड़ा बहुत आपको मैं यहाँ पे सॉन्ग जो है प्ले करके दिखाता हूँ जिस वजह से आपको पता चलेगा कि ये गैस जो है इस टाइप से आप आपकी प्रॉब्लम भी स्पीकर की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जल्दी से कैसे हमारे स्पीकर को स्टार्ट करते हो, और यहाँ पे आप जैसे कि देखते हो हमारा स्पीकर स्टार्ट हो चुका है, और मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत टेप भी इसको लगा दिया कि जो कनेक्शन है जो लूज़ हो रहा था, तो इस टाइप से आप यहाँ पर टेप इसको लगा सकते हो गाइस जो, और टेप लगाने के बाद अभी आप यहाँ पे देखो तो हमारा जो स्पीकर है काफ़ी अच्छे से गाइस जो वर्क कर रहा है। अभी मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया इसको, और आप यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो लाइट जलने लगी, तो इसको जल्दी से पेयर करते हैं अभी, और पेयर करने के बाद यहाँ पे मैं आपको जो वॉल्यूम भी करके दिखाऊंगा। तो अभी आप जैसे देख सकते हो गाइस अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है, तो अभी जो है मतलब जो है तो जैसे आपने देखा काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी जल्दी से बढ़ते गए, और इसको मैं पूरा बदलाव को किस टाइप से पैक करना है, यहाँ पे आपको कहीं टेप लगा देना है दोनों साइड से। सबसे पहले तो आप यहाँ पे बैटरी डिस्कनेक्ट कर लो, और आप जैसे जिस टाइप से अच्छे से लगा सकते हो वैसे लगाओ, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक नहीं होने चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हो मैं नीचे से टेप लगा दिया है, मैं ऊपर से भी लगाता हूँ, और आप देखो कि फाइनल रिजल्ट कैसा निकल के आता। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो इस टाइप से मैंने यहाँ पे पूरे की तरह पूरा इसको कवर कर दिया गया, जैसे कि पहले कवर किया गया था जहाँ पे ब्लू कलर के टेप से टेप नहीं था, वो थोड़ा अलग टाइप का मटेरियल था, पर अभी मैंने यहाँ पे इसको टेप से गैस पूरा कवर कर दिया। और जहाँ पे ये जो है ओल्ड बैटरी भी आप देख सकते हो जो मैंने यूज़ किया गया, ये न्यू बैटरी है यहाँ से भी आप देख पा रहे हो। तो अभी इसको कनेक्ट करते गए, और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस टाइप से अब रिजल्ट निकल के आया है, और इस वजह से क्या एकदम अच्छे से गैस कनेक्शन हो जाता है गैस, और बैटरी भी गैस पहले जैसी हो जाती है। और आप जैसे देख सकते हो गैस अभी यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे गैस कनेक्ट वनेक हो चुका है। और अभी मैं आपको यहाँ पे इसको फिट कैसे करना है वो दिखाता हूँ। तो आपको इस टाइप से यहाँ पे पूरे वायर्स को फिर से यहाँ पे अंदर से डाल के गैस यहाँ पे जो कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे जो रबर वाला होता है गैस बटन वाला सेक्शन वो अच्छे से लगाना है, उसके बाद एक वायर को गैस यहाँ से जाने के लिए जगह होती है वहाँ पर आपको फिक्स कर देना है, और उसके बाद जो कवर गैस फाइनल यहाँ पे लगा देना, और जो बैटरी के जो नीचे वाली साइड रखने गैस आपको स्पीकर वाले जहाँ पे गैस उसको स्पेस होती है थोड़ी सी, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे लगाने में पहले पहले गैस जहाँ पे जो है थोड़ा बहुत दिक्कतें आ सकती है, पर आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान से लगाने ला है। और उसके बाद यहाँ पे अच्छे से फिट करने के बाद आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे लग रहा होगा कि प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो आप थोड़ा बहुत प्रेशर लगाओ उसको, बस यहाँ पे स्पीकर ना फट जाए ऐसा इतना ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी कैसे यहाँ पे प्रेशर लगाने उंगली जाके कैसे फटने की काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी होती है। तो आपको अच्छे से यहाँ पे जो पहला हमारा सेल है उसको प्लेस करना है, और प्लेस करने के बाद आपको अच्छे से कैसे इसको फिट कर लेना है जिसके हम यहाँ पे कर रहा हूँ। इसको अच्छे से फिट करने के बाद कैसे आपको जो हमारा स्क्रू है कैसे फिर से
लेने और अच्छे से स्क्रू को भी टाइट करना है। अभी आप जैसे देख सकते मैंने हर एक चीज़ सही से लगा दिया। आपको एक बार बटन भी चेक कर लेना गाइस कि यहाँ पे बटन दब रहे कि नहीं, क्योंकि कभी कभी बार मतलब क्या होता है कि जो रबर गाइस अच्छे से फिक्स नहीं हो पाता, तो आपको वो भी सब कुछ चेक कर लेना। और फाइनल गाइस हमारे स्क्रू है फिर से ले लेने और इनको स्क्रू को फिर से टाइट कर देना, तो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। उसके बाद फाइनल रिजल्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस टाइप से यहाँ पे निकल के आया है। और यहाँ पे एकदम ही रेडी हमारा भी स्पीकर हो चुका है। तो आप जैसे कि देख सकते गाइस मैंने इस टाइप से यहाँ पे पूरे पूरे स्क्रू यहाँ पे कस लिए है और आपको एक भी स्क्रू छोड़ना नहीं, अच्छे से कस लेना है। और फाइनल जाके जो हमारा स्पीकर है जो पूरा पूरा ऐप जो है देख सकते हो लगभग फिट हो चुका है। स्क्रीन जो है सेमी साइज की होती है तो आप कहाँ भी कहीं भी यूज़ कर सकते हो, पर अच्छे से आपको फिट कर लेने हैं। और फिट करने के बाद आप जैसे कि देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैंने अच्छे से इनको टाइट कर लिया। आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है इसको टाइट करने, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे फिट जाते हैं गाइस वो, तो वो करने के बाद अब आप जैसे कि देख सकते हो गाइस सारी चीज़ हो चुकी, तो आपको इसको अच्छे से पोंछ लेना है। यहाँ पे जो भी धूल मिट्टी बची होंगी गाइस वो भी निकल जाएंगी, क्योंकि अगर आप काफ़ी देर बाद इसको ओपन करो तो यहाँ पे काफ़ी धूल मिट्टी जम जाती है, जाली से अंदर चल जाती है, जो कि मेरे पास भी थी पर यहाँ पे मैंने पहली बार ओपन किया था इस वजह से थोड़ा बहुत साफ था। उसके बाद आपको फिर से जो जाली है दोनों तरफ की लगा लेनी है और फिर हमारा जो रबर वाला जो हिस्सा है वो भी अच्छे से लगा लेना। और जो फाइनल गाइस आप देख सकते हो गाइस हमारा जो स्पीकर है अभी पूरी तरह रेडी हो चुका है, अच्छे से गाइस अभी वर्क कर रहा है। और मैं अभी इसका जो लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियो आपको दूंगा, मतलब अच्छे खासे यूज़ करने के बाद कोई मुझे आगे चल के परेशानी आती है या जो भी चीज़ें मुझे देखने मिलती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फाइनल मैंने मतलब जो है इसको काफ़ी टेस्ट भी किया था, अच्छे से म्यूज़िक भी प्ले किया कब तक, तो काफ़ी सही गाइस मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे अभी तक फिर से वो कोई भी दिक्कत नहीं आई है। और मतलब ये जो वीडियो मैंने काफ़ी दिन पहले रिकॉर्ड किया था उसके बाद मैंने काफ़ी दिन यूज़ किया, मतलब एक हफ्ता मैंने लगभग यूज़ किया और मुझे कोई भी परेशानी नहीं आई। तो आप इस टाइप से कुछ यहाँ पे इसका जो सेल है जो भी प्रॉब्लम है ऑटो ऑफ की वो भी फिक्स कर सकते हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल चेंज करके। तो मैं सही तरीके से आज वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बस लाइक नहीं किया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को।